hello everyone in this class we will read in the bazaars of hyderabad this is the poem written by sarojini naido and we are reading it from the book mulberry class 7th so now let's start think of the sound sights and smells that greet you as you walk through a bazaar नाउ ये जो पोएम है इन दिस पोयम जो सरोजनी नायडू जी हैं उन्होंने हैदराबाद के बाज़ार को एक्सप्लेन करा है उन्होंने बताया कि हैदराबाद के जो बाज़ार्स हैं वो कैसे होते हैं नाउ थिंक ऑफ द साउंडस अब साउंड्स के बारे में आप सोचिए साइट्स जो भी आप वहाँ जो भी आप ये जगह देखते हो बाज़ार्स में जैसा भी जो सीन होता है उसके बारे में सोचिए स्मेल्स के बारे में सोचिए लाइक like जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर बेची जाती हैं दैट ग्रीट यू एज यू वॉक थ्रू द बाज़ार जब भी हम बाज़ार में जाते तो हमें ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इन दिस पोयम सरोजनी नायडू डिस्क्राइब्स द कलर्स एंड साउंड ऑफ़ द वेरियस स्टॉल्स इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद अब इस पोएम में जो सरोजनी नायडू जी हैं उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि हैदराबाद में कलर्स साउंड्स मतलब पूरा हैदराबाद के जो बाज़ार है उसके बारे में बताया कि कितना डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पर। पराइल्ड हुड तो हैदराबाद वो सिटी थी जहाँ पे सरोजनी नायडू जी बॉर्न हुई थी पैदा हुई थी और उन्होंने अपना बचपन यहाँ पे बिताया था वट डू यू सेल ओ ए मर्चेंट्स रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड अब नाव यहाँ पे वो सरोजनी नायडू लिखती है कि वट डू यू सेल तुम क्या बेच रहे हो मर्चेंट्स यहाँ पे ओ ए का मतलब है कि वो मर्चेंट्स को पूछ रही हैं क्या मर्चेंट्स मतलब जो ये दुकानदार हैं ये जो बेचने का काम कर रहे हैं सामान को उनको कहा जाता है तो फिर वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या बेचते हो Richly your wares are displayed. आपके जो wares हैं वेयर्स का मतलब होता है आपने जो भी प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं डिस्प्ले में वो सारे के सारे वो कितने अच्छे से लगे हुए हैं तो फिर वो जो आ, मर्चेंट्स हैं वो जवाब देते हैं टर्बन्स ऑफ क्रिमसन एंड सिल्वर तो वो कहते हैं कि हम टर्बंस बेच रहे हैं टर्बंस मतलब पगड़ी बेच रहे हैं क्रिमसन एंड सिल्वर क्रिमसन होता है डार्क रेड कलर लाइक लाखी कलर जो आ, कह सकते हैं ठीक है ब्राउनिश सा रेड कलर होता है डार्क कलर का तो क्रिमसन और सिल्वर कलर के हम टर्बंस बेच रहे हैं ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रॉकेड, ट्यूनिक्स बेच रहे हैं पर्पल ब्रॉकेड की पर्पल कलर की बेच रहे हैं जो कि ब्रॉकेड का कपड़ा है ब्रॉकेड का कपड़ा कौन सा होता है अथिक हैवी फैब्रिक विद अ रेज पैटर्न वुवन एस्पेशली फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर लाइक सिल्क थ्रेड जो गोल्डन कलर का सिल्वर कलर का जो सिल्क का धागा होता है ना उसके ऊपर इसके ऊपर कढ़ाई हो रखी होती है तो उसे ब्रॉकेट का काम कहते हैं आपने जनरली देखा होगा साड़ीज के ऊपर सूट्स के ऊपर बहुत ज्यादा होता है ये वाला काम मिरर विथ पैनल्स ऑफ एम्बर तो मिरर है जिसके अंदर पैनल्स लगे हुए हैं एम्बर के ड्रे एम्बर भी एक तरीके का धातु होता है मेटल होता है ड्रैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड और ड्रैगर्स बने हुए हैं आप डैगर्स किसे कहते हैं डैगर्स कहते हैं चाकू छुरी जो होती है ना जिससे जिससे किसी इंसान को मारा जाता है उसको डैगर्स कहते हैं इनसे उस घर की सब्जियां वगैरह नहीं कटती जिससे लोग इंसान को मारा जाता है उसे डैगर्स कहते हैं तो उसके हैंडल्स किसके बने हुए हैं जेड के बने हुए हैं जेड भी एक धातु है इसके बारे में पढ़ लेते हैं हार्ड स्टोन डैट इज़ यूजली ग्रीन एंड इज़ यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी जेड क्या है एक बहुत ही हार्ड स्टोन है जो कौन से कलर का बना हुआ है ग्रीन कलर का होता है ये और ये यूजुअली किस चीज़ में यूज़ होता है ऑर्नामेंट्स बनाने में ज्वेलरी बनाने में इन सारी चीज़ों में इसका यूज होता है वट डू यू वे ओ ये वेंडर्स तो फिर वो अगेन लिखती हैं कि वेंडर्स वही जो बेचने वाले लोग होते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं तो वो उनसे कह रहे हैं कि आप क्या वे कर रहे हो वे मतलब आप क्या तोल रहे हो तो फिर वो कहते हैं सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस वो कहते हैं सैफरन सेफरन आप जानते हो केसर को कहते हैं लेंटिल दाल को कहा जाता है और राइस चावल ये सब हम इन सबको हम तोल रहे हैं वट डू यू ग्राइंड ओ य मेडन्स तो फिर वो मेडन्स को बोलती हैं अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ मेडन्स किसे कहा जाता है मेडन्स होती हैं uh, उन वुमेंस को कहा जाता है जो अभी अनमेरिड है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको मेडन्स कहा जाता है तो फिर वो उनसे पूछती हैं कि तुम क्या ग्राइंड करती हो तो फिर वो बोलती हैं सैंडलवुड हिना एंड स्पाइस सैंडलवुड होता है चंदन हिना जो मेहंदी लगाई जाती है हाथों में और बालों में स्पाइस स्पाइस मतलब मसाले वट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स तो कहते हैं कि तुम किसको क्या बुलाते हो पेडलर्स मतलब चलते फिरते जो आसपास के जो चलने वाले लोग हैं इधर उधर जो बाजार में लोग जो घूम रहे हैं उनको कहते हैं तो एम सॉरी ये जो पेडलर्स हैं ये वही हैं जो वहीं पे ही बैठ के जो बेचने का काम कर रहे हैं वही लोग हैं तो फिर वो वो कह रहे हैं कि तुम क्या वो बोल रहे हो तो फिर वो कहते हैं चेसमैन एंड आइवरी डाइस तो फिर वो वहाँ पे क्या बेच रहे हैं वो वहाँ पे गेम्स बेच रहे हैं जो ये बोर्ड गेम्स हम खेलते हैं जैसे चेस की गेम हो गई ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे बेच रहे हैं वट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ तो फिर वो कहता है फिर वो बोलते हैं कि ओ गोल्ड स्मिथ आप क्या बेचते हो तो फिर वो गोल्ड स्मिथ कौन होता है जो सोने वगैरह की चीज़ें बनाते हैं तो फिर वो कहते हैं रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग रिस्टलेट मतलब जो हाथों में बांधते हैं हम एंकलेट पायल और रिंग बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स बेल्स बना रहे हैं हम पिजन्स के लिए कबूतरों के पैरों पे बेल बांध देते हैं ना जिनको पाला जाता है तो उनके पैरों में बेल बांधते हैं जैसे डॉग्स जो होते हैं डॉग्स के गले के ऊपर बांधी जाती है पट्टा सेम एज पिजन्स के पैरों में बांधी जाती है अगर आप किसी बर्ड को एज अ पेट रखते हो तो फ्रेल एज अ ड्रैगन वे, फ्लाई विंग्स अब कितना फ्रेल है वो फ्रेल मतलब होता है फिजिकली वीक एंड थिन मतलब वो इतना ज्यादा नाजुक है जैसे ड्रैगन फ्लाई का विंग आपने ड्रैगन फ्लाई देखी होगी छोटा सा होता है इधर-उधर आपने उड़ता हुआ देखा होगा तो उसके जो विंग्स होते हैं वो विंग्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेल होते हैं मतलब बहुत ही कमज़ोर होते हैं बहुत ही पतले होते हैं अगर आप उसे पकड़ोगे तो वो टूट ही जाते हैं तो इतने फ्रेल हैं ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स अब हम ग्रिडल्स बना रहे हैं गोल्ड के किसके लिए डांसर्स के लिए ग्रिडल होती है बेल्ट्स और थिक स्ट्रिंग्स फास्टन्स अराउंड द वेस्ट टू कीप क्लोथ्स इन पोजिशन मतलब एक मोटी सी आ, स्ट्रिंग होती है लाइक आप बेल्ट जैसी चीज समझ सकते हो जो डांसर्स अपने कमर पे बांधती है जिससे सारे कपड़े ठीक से रहें स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग और क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे स्कैबर्ड्स बनाए जा रहे हैं स्कैबर्ड्स का मतलब होता है कवर्स फॉर स्वॉर्ड्स मेड ऑफ लेदर और मेटल मतलब स्वॉर्ड्स मतलब जो हम तलवार वगैरह यूज करते हैं उसके ऊपर जो उसका मयान जो होती है जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है उसको स्कैबर्ड्स कहते हैं अब यहाँ पे स्कैबर्ड्स जो वेस्ट के एरिया में जो बाहर के एरिया में जो यूज़ होती थी वो स्कैबर्ड्स डिफरेंट होती है हमारे इंडिया के यहाँ से क्योंकि जो इनके यहाँ की जो होती हैं मयान वो फोल्ड वगैरह हो जाती है तो वो हमारे यहाँ से डिफरेंट है ठीक है तो वो किस चीज़ की बने हुए हैं गोल्ड के बनाए हुए हैं किसके लिए किंग के, के लिए राजा के लिए वट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन तो वो फ्रूट मैन को बोलते हैं कि तुम क्या क्यों क्या चिल्ला रहे हो मतलब क्या बोल रहे हो आप क्या बुला रहे हो तो वो कहते हैं कि सिट्रन पोमीग्रामनेट एंड प्लम सिट्रन होता है सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया मौसमी हो गया लेमन ये सारी चीजें पोमीग्रानिट आप जानते हो अनार को कहते हैं और प्लम ये ये सब वट डू यू प्ले ओ, तो वो से पूछती है, आप क्या प्ले करते हो तो वो कहते हैं so uh, uh, वही इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है ठीक है और सारंगी और ड्रम ये सारी चीजें हम वो बेच रहे हैं म्यूजिशियंस वट डू यू चैंट ओ मजीशियंस मजिशियंस को कह रहे तुम क्या चैन कर रहे हो तुम जैसे वो मजिशियंस जो जादू के मंत्र वगैरह जो बोलते हैं तुम क्या करते हो तो फिर वो बोलते हैं स्पेल्स फॉर द ए ऑन्स टू कम सो नाओ हेयर ए ऑन्स का मीनिंग होता है एंड इनडेफिनेट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड कि ऐसा टाइम ऐसा जो हमें पता नहीं है कि कब आएगा लेकिन आएगा तो काफ़ी लंबे समय के लिए आएगा मतलब जो बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आ जाएगा और हमें पता नहीं है जैसे कि अभी एकदम से ये ऐसे कोरोना वायरस हो गया ये सब हो गया ये हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो अगर कोई अब आज से अगर कोई तीन चार साल पहले कोई बात बोल रहा होता और वो कह रहा होता कि ऐसी कोई बीमारी होगी ये होगी किसी ने भी कुछ अगर ऐसा बोला होगा तो जवाब देने वाले क्या बोलते हैं उसको आने में तो अभी एन्स लग जाएंगे एन्स मतलब उसको पता नहीं कि वो कब वो कब आएगा ऐसे दिन कब आएंगे तो ऐसी कोई चीज़ हो ना जो हमें पता नहीं है कि कब होगी और जब होगी तो काफी लंबे समय बाद होती है वो तो उसको हम एन्स कहेंगे कि एन्स एक तरीके से इस वे में बोला जाता है कि अभी पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज में जैसे कि अगर मैं बोलूं के मुझे चांद पे जाने में तो एन्स लग जाएंगे अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा लाइक दैट वट डू यू वीव ओ ये फ्लार गर्ल्स तो वो फ्लार गर्ल्स को बोलती है कि तुम क्या वीव कर रहे हो क्या सिल रहे हो विथ टेसल्स ऑफ अजूर एंड रेड तो टेसल्स आपको पता ही है टेसल्स uh, होते हैं लाइक ब्यूटिफुल से आपने देखा होगा सूट्स के ऊपर साड़ियों के एंडिंग में लगे होते हैं लंबे लंबे से होते हैं और अजूर ब्लूइश कलर होता है ब्लू कलर को ब्लूश फैमिली का ही होता है अजूर कलर और रेड कलर के टेसल्स से बना रहे हैं वो तो वो कहते हैं क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम तो फिर वो इन टेसल्स वगैरह से क्या बना रहे हैं ब्राइड ग्रूम के लिए क्राउन्स बना रहे हैं मतलब जो धूला है उसके लिए क्राउन्स क्राउन Crown बना रहे हैं चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड चैपलेट्स मतलब कि उसका जो बेड वगैरह है उसको सजाने के लिए चीज़ें बना रहे हैं शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नर्ड वाइट ब्लॉसम की शीट्स बना रहे हैं टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ डेड डेड अब जो मरे हुए लोग हैं जो डेड पीपल हैं उन लोगों के लिए शीट्स बनाई जा रही हैं मतलब कि यहाँ के बाजार में सब मिल रहा है लाइक like, जो फ्लावर्स वगैरह हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो जिनको शादी के लिए चाहिए उनको शादी के लिए भी मिल रहा है और जो कोई पीपल जो डेड हो जाते हैं तो आपको पता है कि उनके ऊपर भी आ, उनके उनके लिए भी ये शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं डेड लोगों के लिए सो दिस वॉज द स्टोरी अब इस स्टोरी में सरोजिनी नायडू ने ये समझाने की कोशिश करी है एज़ यू नो दैट कि ये इन्होंने इंडिपेंडेंस में भी बहुत बड़ा इनका हाथ रहा है पॉलिटिक्स में भी ये रही हैं तो ये ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हमारा जो देश है हमारा जो इंडिया देश है हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है बहुत सारी वैरायटी मिलती है अब ये इन्होंने एक हैदराबाद का अपने यहाँ का बाज़ार डिस्क्राइब करा तो उसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं तो क्यों हम बाहर ब्रिटिशर्स की चीज़ें लें वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें अपनी खुद की चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं और हम अपनी खुद से चीज़ें हम ले सकते हैं खुद की चीज़ें हम बना सकते हैं हमें बाहर की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है बाहर के देशों की सो हेयर इज़ अबाउट सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू एटीन सेवेंटी नाइन टू नाइनटीन फोर्टी नाइन वॉज वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट नॉन पोलिटिकल फिगर पॉलिटिक्स में ये रही हैं एंड अ फ्रीडम फाइटर क्लोजली इन्वॉल्व विद द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये किस मूवमेंट में रही थी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रही थी शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट ऑरिटर एंड वन ऑफ़ द इंडियाज़ मोस्ट टैलेंटेड पोएट ये इंडिया की बहुत अच्छी पोएट्स में से एक रही है नॉन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ हर राइटिंग्स क्योंकि इनकी राइटिंग्स में बहुत डायवर्सिटी थी बहुत दूर दूर की चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ों को वो एक्सप्लेन करती थी नाइडो वॉज गिवेन द टाइटल ऑफ द नाइट एंगल ऑफ इंडिया नाइडो को इंडिया का नाइट एंगल बताया गया है नाइट एंगल एक बर्ड होता है जो जिसको यूजली किसी भी चीज़ की ब्यूटी के लिए एज एन एग्जेक्टिव यूज करा जाता है नाइट एंगल वर्ड का यूज़ किसी चीज़ को ब्यूटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो चीज़ कितनी अच्छी है तो सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है द पालन कोइन बियरस इज़ वन ऑफ हर नोटेड वर्क्स और उनके एक काम में एक और ये ये लिखी हुई है उनकी राइटिंग द पालन कोइन बियरस सो दिस वॉज इट फॉर टुडे आई होप यू लाइक दिस वीडियो Do share it with your friends and subscribe this channel for more videos. Thank you for today.